आप सभी को मेरे YouTube चैनल मेडिटेक पर फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे अपने मोबाइल फोन से आप हारमोनिया का यूज कैसे कर सकते हैं, उस पर कोई भी गाना कैसे आप प्ले कर सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं आप हारमोनिया बजाना अपने मोबाइल फोन से। तो इसके लिए आप जाइएगा प्ले स्टोर पे और इस पर एक ऐप है हारमोनियम, वहाँ से आप उसको लोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो हारमोनियम जब आप लोड कर लीजिएगा तो आपका इस तरह इंटरफेस आएगा प्ले स्टोर पे, तो आप यहाँ से आप ओपन कर लीजिएगा क्योंकि हम पहले इसको लोड कर लिए थे। तो ये फ्री दोस्तों ऐप है, तो इसको आप लोड कर लीजिएगा। देखिए यहाँ से हम इसको ओपन कर दिए। ओपन करने के बाद देखिए दोस्तों इस तरह आपका खुलेगा। बताइए इसके कुछ फीचर के बारे में जान लेते हैं। तो ये हारमोनियम आपका इस तरह खुल जाएगा। देखिए यहाँ से आप इसको छोटा कर सकते हैं, यहाँ से इसको आप बड़ा कर सकते हैं, इधर से आप घसका सकते हैं अपने स्केल के अनुसार, इधर उधर आप ले जा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं तो इस पे आपका जो थ्री डॉट है यहाँ से आप देख लीजिए इसमें क्या है। देखिए इसमें एड्स बता रहा है, इसको आप ऑफ ऑन कर दिए क्योंकि एड नहीं बताएगा, ये स्केल का है। ठीक है, मेल फीमेल का यहाँ से आप कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, यहाँ से आप इसका साउंड कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको इधर उधर नहीं कर रहे, इसको बस आप सिंपली कट कर देना है। तो आपका इस तरह मतलब दिखाई देगा। तो आइए देखिए, अब मान लीजिए जैसे हम यहाँ से C3 से चालू करते हैं, जैसे देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक मतलब एक पटकी मानिए, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक आप एक कोई भी गाना बजा सकते हैं। तो उसी तरह हम मान लीजिए कि नॉर्मली जैसे हम C3 से जैसे यहाँ से हम प्ले करेंगे तो यहाँ से हमें साउंड थोड़ा अच्छा लगता है। देखिए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे तो इतने पट्टी पे रहते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। चलिए देखिए, अब इतना पे आपको क्या है कि आप कुछ भी बजाना चाहते हो तो इतना पे आप बजा सकते हैं या सीख सकते हैं। जैसे आप ताल के साथ कुछ क्लिक वगैरह बजा के भी आप प्ले करना चाहते हैं तो आप इसको बीट पे कर सकते हैं, सरगम भी बजा सकते हैं, इसपे कोई नहीं है। देखिए इस सरगम इस तरह आप बजा सकते हैं, देखिए आप इस तरह बजा सकते हैं, इस पे आप धीरे धीरे कोई भी रियाज कर सकते हैं। कोई भी आप तो मतलब सरगम जो भी है तो आप धीरे धीरे आप बजा बजा कर इस पे आप सीख सकते हैं, क्योंकि इसका हम साउंड भी चेक कर चुके हैं अपने मतलब रियल हारमोनिया से और अपने मेडी कीबोर्ड का भी। देखिए दोनों का स्केल सेम रहता है दोस्तों, तो आप इस तरह भी इसको बजा सकते हैं। कोई भी गाना भी जब आप प्ले करना चाहते हैं या कुछ भी आप म्यूजिक वगैरह भी सीखना चाहते हैं तो आप इसमें धीरे धीरे प्ले करके अपना हाथ प्रेस करके आप इसमें प्ले कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई म्यूजिक का थोड़ा सा पार्ट बजाते हैं, कोई भी आप म्यूजिक धीरे धीरे आप इसमें एक एक चीज प्ले करके आप चेक कर सकते हैं, बजा सकते हैं, जैसे कुछ भी गाना थे आप बजा सकते हैं। तो इस तरह आप कुछ भी बजा सकते हैं दोस्तों। तो देख रहे हैं मतलब धीरे धीरे जब आप बजाइएगा अपना हाथ आपका खुद से प्रेस हो जाएगा तो आप इस पे बजा सकते हैं। इसको आप मतलब आपको अगर टेम्पो की आवश्यकता है जैसे रिदम पे आप बजाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा कोई रिदम प्ले करके उस पर आप धीरे धीरे इसको बजा बजा कर आप चेक कर सकते हैं। तो और रिदम के लिए आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, इसमें आप मेट्रोन का यूज कर लीजिए, ढोलक आता आता है उसको भी लोड कर लीजिए, आप बजा दीजिए, वहां से आप इसको धीरे धीरे एक एक करके आप बजाइए। देखिए अब इसमें क्या है कि आप सरगम शुरू में लोग बजाता है तो सरगम आप कहीं से बजा सकते हैं, ये नहीं है कि हम इसको अगर सा मानते हैं तो ये मेरा सा है, ऐसा नहीं, आप इसको ही मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं। तो चलिए यहाँ से लोग बजाता है तो आपका मान लीजिए यहाँ से मेरा बार हुआ, तो देखिए सा रे ग म प ध नी सा, तो यहाँ से तो मेरा हो गया। तो मान लीजिए ये मेरा गाना यहाँ इस स्केल से रहेगा तब तो हम यहाँ से सरगम बजाएंगे तो मेरा गाना बजेगा ना। तो इसलिए देखिए क्या होता है कि इसलिए आप जब भी सरगम रियाज कीजिए तो हर स्केल से रियाज कीजिए, यहाँ से कीजिए, यहाँ से कीजिए, यहाँ से कीजिए। अब मान लीजिए कि गाना आपका है ई माइनर से, चलिए देखिए मतलब ई माइनर यहाँ मेरा है क्योंकि ए सी हो गया, सी शार्प डी, डी शार्प ई। तो मान लीजिए अब यहाँ से गाना है तो आपको यहाँ से आप सरगम बजाना है, हमें मतलब यहाँ से गाना प्ले करना है, तो इसके आप सरगम जानिएगा तब मैं गाना बजा पाइएगा। इसलिए आप हारमोनिया हो या मोबाइल हो किसी में आप सब पट्टी से रियाज कीजिए सरगम बजाना, उसका मतलब सरगम बजाइए, वहाँ से आपका जो भी होता है क्या बोलते हैं क्योंकि हम सरगम तो के बारे में उतना ही नहीं जानते हैं दोस्तों, हम तो सिर्फ इसी तरह सीखे हैं, बजाते बजाते धीरे धीरे आ गया है।
तो देखिए क्या होता है कि जैसे मतलब इसका हिस्सा यहाँ से हम इसको सामान्य तो देखिए क्या होता है, यहाँ से मानते देखिए, यहाँ से मानना था देखिए ई माइनर से चलिए, तो देखिए सा रे ग म प ध नी सा, तो यहाँ से अगर बजा रहे हम तो यहाँ से आप बजाइए, मान लीजिए अब यहाँ से हमें बजाना है, यहाँ से हमें सरगम बजाना है तो यहाँ से आप बजाइएगा, तो इस तरह आप इसमें हारमोनियम आप प्ले कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं। इसमें एक और फीचर है देखिए पॉपुलर, मतलब आप डबल एक बार कीजिएगा तो दो पट्टी दबाएगा, जैसे हम इसको देखिए यहाँ कीजिए और आपको दिखाई सर नहीं दे रहा होगा, आप दिखाई देगा देखिए पॉपुलर हम कर देते हैं, दोस्तों कुछ कारण बस ये काम नहीं कर रहा है, तो चलिए पॉपुलर की आपको आवश्यकता नहीं होगी, पॉपुलर जो भी होता है डबल पट्टी के लिए होता है, लेकिन आपने शायद कहीं काम करे मेरा ये काम नहीं कर रहा है कुछ कारणवश, तो इस तरह कोई भी गाना बजा सकते हैं, इसको हाई में पूरा बजाना है तो आप यहाँ से भी बजा सकते हैं, देखिए मेरा कोपलर अब काम कर रहा है, देखिए मैं इसको टिप रहा है तो मेरा पीछे वाला भी टिपा रहा है, तो ये मेरा कोपलर भी काम कर रहा है, उस तरह आप इसमें गाना कोई भी प्ले कर सकते हैं। कुछ भी प्ले कर सकते हैं दोस्तों इसमें, थोड़ा इसको छोटा किए थे इसलिए मेरा फिंगर नहीं सही से पहुंच पा रहा था, इसलिए कुछ प्ले अच्छा से नहीं हो रहा है, तो इसको हम जब बड़ा करके बजाएंगे पार्ट बाई पार्ट थोड़ा थोड़ा तो ये बजेगा अच्छा से, जैसे तो इस तरह आप हारमोनियम प्ले कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन से, और ये बहुत अच्छा है दोस्तों, आप इसको अगर बीट के साथ भी प्ले करना चाहते हैं, जैसे सीखना चाहते हैं मतलब सिंपली आपके पास हारमोनियम नहीं तो इसको आप आवाज मिला के भी सीख सकते हैं, आप टेम्पो के साथ आपको दिक्कत हो रहा है तो आप कुछ बीट के लिए ले लीजिए।